क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एनसीईआरटी में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके जनरल फॉर्म्स देखे थे। जनरल फॉर्म से जो जनरल वैल्यू रहती है थीटा की, वो आपने देखी थी। आपने देखा था अगर साइन थीटा साइन अल्फ़ा के इक्वल है तो थीटा इज़ इक्वल्स टू एन पाए प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फ़ा होता है। कॉस के लिए थीटा ये होता है, टेन के लिए ये होता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में था। अब इसमें जो क्वेश्चन पहली बार यहाँ पर आया है एग्जाम्पलर में, वो क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिलता है जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो उस केस में आपके थीटा की वैल्यू ये हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे आपको कभी ऐसा मिला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर रहेगा तो ये जो आपका थीटा है ये हो जाएगा एन पाए प्लस माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो थ्योरी है इसकी आपकी आर डी शर्मा रिफ्रेशर में भी दी है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, और एग्जाम्पलर में भी दिया है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये आता भी है और कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें एक और थ्योरी इन्होंने दे रखी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा फिफ्थ पॉइंट में, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। इसके ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था जहाँ पर आपको साइन थीटा की जगह टेन थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया था, मतलब ले देकर आपको एक जनरल वैल्यू फाइंड करनी थी एज अ कॉमन टू बोथ, दोनों के लिए कॉमन जनरल वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाए प्लस अल्फ़ा, और टू एन पाए प्लस अल्फ़ा आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसी क्वेश्चन में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप टेन का जनरल फॉर्म लेते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, आपने कॉस के दो जनरल फॉर्म लिए थे तो उसमें टू एन पाए माइनस वाला फॉर्म पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आपने टू एन पाए प्लस वाला फॉर्म लिया था। तो इस फॉर्मूले का भी आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाला फॉर्मूला जो था ये आपको मैंने क्वेश्चन में कराया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन, तो आपको याद होगा मैंने डिवाइडिंग फैक्टर लिया था, यहाँ पे वन था साइन के पास कॉस के पास। ये जैसा आपको स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर में था पोलर फॉर्म, बिल्कुल उसके सी चीज़ है ये। पर इन्होंने जो बोला हमने वो नहीं किया था, पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर इस फॉर्मूले से भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। आपको आगे जाके मैं सारे फॉर्मूले करवाऊंगा, इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी करवाऊंगा, पर आप ये जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेवन साइन स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब ये आपको मिलेगा फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेवन माइनस सेवन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सेवन माइनस सिक्स वन, और फाइव माइनस सेवन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपको मिलेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, इसको यहाँ ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय टू। अब आपका वन बाय टू क्या होता है, वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ये। और वन बाय रूट टू कब होता है, जब हम कॉस पाई बाय फोर लेते हैं, तो वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर मतलब कॉस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको मिल गई, ये फाइनली आपको मिला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर। अब वही चीज़ हो गई यहाँ पे, हियर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल्स टू एन पाए प्लस और माइनस ऑफ अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाए प्लस और माइनस ऑफ पाए बाय फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको नया फॉर्मूला पसंद नहीं आया है तो
आप एनसीईआरटी के पुराने फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप यहाँ तक ले आए थे इसे, 1 - 2 cos² θ इज इक्वल्स टू 0, तो इसको आप लिख लीजिए 2 cos² θ - 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं। अब 2 cos² θ - 1 क्या होता है आपका, cos²θ, और cos²θ इज इक्वल्स टू 0। अब 0 कब होता है, cos π/2 पे, ये आप जानते ही हैं, सबसे बेसिक वैल्यू जिस पे कॉस 0 होता है वो π/2 है, cos π/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इफ़ cos θ इज इक्वल्स टू cos α, आपका सेकंड पॉइंट जो अपन देखा था, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस ऑफ अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये चीज़ आपने यूज़ करी यहाँ पर, तो ये क्या मिल गया आपको, 2θ इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस ऑफ अल्फा, कितना है यहाँ पे, π/2। अब आपने 2 का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/2nπ, यहाँ डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नीचे 2 × 2, तो ये फाइनली आपको मिला nπ प्लस और माइनस ऑफ π/4, वही चीज़ आपको मिल गई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x - 3 sin 2x + sin 3x इज इक्वल्स टू cos x - 3 cos 2x + cos 3x। इस क्वेश्चन को हमेशा आप जब भी अप्रोच करें तो ये ध्यान रखें कि हम इसमें कॉमन टर्म्स कैसे ले सकते हैं या कॉमन टर्म्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन 2x है और यहाँ पे कॉस 2x है। अब साइन 2x कैसा आएगा, 3x और x की हेल्प से आ जाएगा। जब आप 3x और x लेंगे तो आप जानते हैं कि आपका एक टर्म क्या आएगा, 3x + x/2, और दूसरा टर्म 3x - x/2, मतलब एक जगह आपका 2x आ जाएगा और एक जगह ओनली x आएगा, पर 2x हमें चाहिए था वो आ गया। तो हमेशा आप ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए इस तरह के कि कॉमन टर्म्स हम इन तीन टर्म में से कैसे निकालें, है ना। अब ऐसे ही हम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, sin 3x + sin x इज इक्वल्स टू -3 sin 2x इज इक्वल्स टू cos 3x + cos x - 3 cos 2x, ये आपको गिवन है। अब sin 3x + sin x, sin a + sin b क्या होता है आपका, 2 sin a + b/2, तो 3x + x/2 इंटू cos a - b/2, तो 3x - x/2। उसके बाद RHS में cos a + cos b क्या होता है आपका, 2 cos a + b/2, तो cos 3x + x/2 इंटू cos a - b/2, तो 3x - x/2 -3 cos 2x, ये आपको मिल जाएगा क्या, 2 sin 4x/2, तो sin 2x इंटू cos 2x / 2 cos x - 3 sin 2x। उसी तरह से ही क्या मिल जाएगा आपको, 2 cos 2x और cos x - 3 cos 2x। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, sin 2x मिल रहा है, तो sin 2x कॉमन ले लीजिए आप, तो sin 2x अंदर क्या बचा, 2 cos x - 3, यहाँ पर cos 2x कॉमन मिल रहा है, तो cos 2x 2 cos x - 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली आपको क्या मिला, ये sin 2x / cos 2x इज इक्वल्स टू 1, तो sin 2x / cos 2x आपका हो जाएगा tan 2x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 आपका क्या होता है, tan π/4, और ये आपकी इक्वेशन कैसी बन गई, tan
एक्स इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, तो ये क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाए प्लस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल्स टू एन पाए प्लस अल्फा मतलब पाए बाय फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू एन पाए बाय टू प्लस पाए बाय एट, ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट टू माइनस वन कॉस थीटा प्लस रूट थ्री प्लस वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू टू। हिंट भी आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन को हम एक बार हिंट से कर लेते हैं और एक बार विदाउट हिंट जो हमने मेथड करी थी आर वाली उससे कर लेंगे। यहाँ पर ही क्या बोल रहे हैं कि रूट थ्री माइनस वन कॉस थीटा प्लस रूट थ्री प्लस वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू टू, ये आपको गिवन है। अब इसमें आप क्या कीजिए, रूट थ्री माइनस वन को आर साइन अल्फा ले लीजिए। ठीक है भाई, ले लेते हैं रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, ये आपने ले लिया। और ये बोल रहे हैं कि फिर रूट थ्री प्लस वन को आर कॉस अल्फा ले लीजिए, ये भी हमने ले लिया। अब ऑब्वियसली इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको आर स्क्वायर मिलेगा, नो डाउट। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपको ये क्या मिलेगा, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और अंदर डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यही आपको इन्होंने हिंट में बोला है कि आर स्क्वायर को आप ऐसा ले लीजिए। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपको क्या मिलेगा, थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कैंसिल हो गया, आपको फाइनली क्या मिला, ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट, तो आर इज इक्वल्स टू टू रूट टू, ये आपको आर की वैल्यू मिल गई। अब उसी तरह से आप टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको आप एक काम कीजिए, इसको वन दे दीजिए, इसको टू दे दीजिए, यहाँ पर भी आप लिख ही दीजिए, नहीं तो फिर वो क्या आपको डाउट ना रहे। अब वन डिवाइडेड बाय टू करेंगे तब वो क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। नाउ वन डिवाइडेड बाय टू गिव्स आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ये कैंसल ये कैंसल, आपको क्या मिला, ये फाइनली टेन अल्फा इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, ये जो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन है इसको टेन के फॉर्म में लेकर आ जाइए। कैसे लेकर आएंगे आप, रूट थ्री को आप लिख सकते हैं क्या, टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री आपका होता है टेन पाए बाय थ्री, नो डाउट। और माइनस वन आपका क्या होता है, टेन पाए बाय फोर, ऐसा मैंने लिख दिया इसको। अब नीचे जो था इसको आप ऐसे लिख दीजिए, रूट थ्री प्लस वन था तो उसको लिख दीजिए वन प्लस रूट थ्री, एक ही बात है। और इस रूट थ्री में यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वन का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बात तो वही होगी, पर इसमें ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई करने से मैं टेन पाई बाय फोर को नीचे रूट थ्री के साथ भी लिख पाऊँगा, बल्कि मुझे कहना चाहिए टेन पाई बाय थ्री के साथ ही लिख पाऊँगा। ऐसा हो गया। अब ये आपकी क्या आइडेंटिटी होती है, टेन ए माइनस बी, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, टेन पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर, ये आपको आइडेंटिटी मिल गई। इसको जब आपने सॉल्व किया एलसीएम आया 12, तो ये 4 पाए माइनस 3 पाए बाय 12, और यहाँ पर बाहर था 10, तो फाइनली आपको अल्फा क्या मिल गया, पाए बाय 12।
ये चीज़ आपको हिंट में इन्होंने दे रखी थी, इस तरह से आपको ये लेकर आना था। इन्होंने आसानी से बोल दिया कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, पर असली मेहनत हमने करी है। हमने इस हिंट के द्वारा जो इन्होंने हमें बोला था लेने के लिए, वो हम लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं आपसे कि इसको आप एक जनरल फॉर्म में लिख दीजिए। तो जनरल फॉर्म क्या होता है वो भी यहाँ पे दे रखा है आपको। यहाँ पे √3 - 1 जो था ये हो जाएगा R sin α। उसी तरह √3 + 1 जहाँ पे था ये क्या हो जाएगा R cos α। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, R sin α cos θ + R cos α sin θ इज इक्वल्स टू 2। नाउ R sin α cos θ + R cos α sin θ इज इक्वल्स टू 2। अब R और अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो R आपको मिला √2 sin α, मतलब कि sin π/12 cos θ। वापस से √2 cos π/12 sin θ इज इक्वल्स टू 2। अब आपके LHS और RHS को √2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये sin π/12 cos θ, ये √2 कैंसिल हो गया। एक बार मैं कर देता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ इस पूरे में। तो ये cos π/12 sin θ, अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 1/√2। अब ये आपकी जो आइडेंटिटी है किसकी बन गई है, sin A cos B cos A sin B, मतलब sin A + B, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया sin θ + π/12 इज इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 आपका क्या होता है, sin π/4। तो sin θ + π/12 इज इक्वल्स टू sin π/4। अब आप जानते हैं साइन का जनरल फॉर्मूला, इफ sin θ इज इक्वल्स टू sin α, देन थीटा इज इक्वल्स टू n π + -1 की पावर n α। ये होता है, ये आपको मालूम ही है। अब यहाँ पे भी हम यही चीज़ लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये θ + π/12 इज इक्वल्स टू n π + -1 की पावर n π/4। ये आपको मिल गया। थीटा की फाइनल वैल्यू क्या मिल गई आपको, थीटा इज इक्वल्स टू n π + -1 की पावर n π/4 - π/12। ये आपका हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। अभी जो आपने मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो मेथड वही थी आपके जो एग्जाम्पलर में 6th पॉइंट था जनरल टर्म्स वाला, उससे आपको मैंने कराया था। अब जो फॉर्मूला मैंने पहले यूज़ किया था डिवाइडिंग फैक्टर वाला आर का, उससे आपको मैं करवाऊंगा। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को आर तक वैसे ही करना है। पहले ये R√2 आ गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, क्योंकि आर को हम डिवाइडिंग फैक्टर बोलते हैं, इस इक्वेशन को इस आर से डिवाइड कर दीजिए। ये पूरी इक्वेशन को हम आर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन आपकी है √3 - 1 cos θ + √3 + 1 sin θ इज इक्वल्स टू 2। अब डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय आर इज इक्वल्स टू √2, तो आपको ये मिल जाएगा √3 - 1/2 cos θ + √3 + 1/2√2, है एक्चुअली ये
साइन थीटा 2/√2, इससे ये कैंसिल। अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर ये जो था √3 इसको अलग कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको √3/√2, और उसी तरह से यहाँ पे -1/√2 को अलग कर दीजिए। ऐसा आपने किया। अब ऐसा करने का रीज़न क्या था? ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे √3/2 है और √2, ऐसा हो सकता है ये? इसको अगर मैं चाहूँ एक बार पहले लिख देता हूँ, फिर बाद में अच्छे से लिख दूंगा। √3/2 × 1/√2 लिख सकता हूँ, इसको यही मैं करने वाला हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया √3/2 × 1/√2, उसी तरह इसको भी मैंने लिख दिया 1/√2 × 1/√2, उसी तरह से मैंने इसे यहाँ पर भी √3/2 × 1/√2 + 1/2 × 1/√2 साइन थीटा ऐसा कर दिया = 1/√2। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ √3/2 और 1/√2 इनको मैं साइन और कॉस के फॉर्म में कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इस √3/2 को लिख दीजिए कॉस। अब कॉस 30 डिग्री आपका होता है क्या √3/2, तो cos π/6 ये ऐसा हो गया, और 1/√2 आपका क्या होता है cos π/4 ये ऐसा हो गया, -1/2 आपका क्या होता है sin π/6 और 1/√2 sin π/4, ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ उसको मैं, ये चीज़ मैंने करी। उसी तरह से साइन वाले के लिए भी प्लस जो √3/2 था उसको मैं क्या कर दूंगा cos π/6 × sin π/4 + sin π/6 × cos π/4 sin थीटा = 1/√2। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपने यहाँ पर दोनों कॉस में करे पर यहाँ पे साइन में करा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जब मैं इसको पूरा एज अ होल किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पर ऑब्वियसली कॉस में हो रहा है, कॉस है कॉस भी, माइनस साइन है साइन भी, तो मुझे जो फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी वो कॉस के फॉर्म में मिलेगी, और कॉस के फॉर्म में मिलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस की जो आइडेंटिटी है वो √cos θ। उसी तरह मुझे यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो ये मुझे साइन के फॉर्म में मिलेगा, तो ये आपको हो जाएगा sin A × sin B। तो कॉस है कॉस बी इंटू साइन है साइन बी, मतलब इस आइडेंटिटी के बाद भी मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी cos θ के फॉर्म में। मैं लिख देता हूँ फिर आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा वो मेरा बोलने में ऐसा हो रहा है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है थोड़ा। देखिए ये इसको मैंने क्या कर दिया cos π/6 + π/4, ऐसा मैंने कर दिया, कॉस है कॉस बी और ये cos θ, प्लस इसको मैंने क्या कर दिया sin π/6 + π/4 sin θ = 1/√2। ये आपसे मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा इसको मैंने करा है, तो देखिए वापस से मुझे ये मिल गया कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो ये वापस से कॉस की आइडेंटिटी बन जाएगी जिससे कि मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, ये मुझे करना है। अभी आपका कितना हो गया cos π/12 × cos θ + sin π/12 × sin θ = 1/√2। ये आपको मिल गया cos θ - π/12, ऐसा कर दीजिए, और ये क्या होता है आपका cos π/4 1/√2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos θ = cos α, अगर ऐसा होता है तो cos θ = 2nπ ± α, तो θ - π/12 = 2nπ ± π/4, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको जब आपने सॉल्व किया लिखा तो θ = 2nπ
प्लस और माइनस ऑफ पाई बाय फोर प्लस पाई बाय ट्वेल्व, ये आपका आंसर हो गया, ये भी सही है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते तो यहाँ कॉस पाई बाय सिक्स की जगह कॉस पाई बाय थ्री भी ले सकते थे, सॉरी साइन पाई बाय थ्री भी ले सकते थे। अगर आप यहाँ पे साइन पाई बाय थ्री लेते तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये पूरा चलता और आपको जो आंसर मिला था साइन के टर्म्स में वही मिलता, पर मैंने यहाँ पे कॉस में करा क्योंकि पिछला आंसर जो था वो मैं लेना लाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैं इसको अब कॉस के फॉर्म में लेकर आया। दोनों आंसर सही हैं, साइन वाला आंसर भी सही था और ये वाला आंसर भी सही है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि साइन का आंसर अलग है ये अलग है तो इसमें मार्क्स तो नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉस में लाइए साइन में लाइए, इवन इस क्वेश्चन को आर डी शर्मा में भी इन्होंने इन्हीं दो मेथड से कर रखा है।